वो कुछ कतर के अमीर वो कहानी बताने लगे थे। नहीं वो तो खबर चली थी पिछले दिनों इन्हीं को लेने आए थे है? लेके नहीं गए। और इनको सी ऑफ किसने किया? उनको रिसीव तो किया वजीर आजम ने, और ड्राइव करके लेके आए। वापसी पे कौन छोड़ के आया? जुल्फी बुखारी। बात बनी नहीं। अच्छा बात बनी नहीं, किन मामलात पे रह गई? मामला ये है कि इमरान खान ने एक पठान किस्म की पोजीशन ले ली। अड़ गए बस, वो कहता है इनको मैंने नहीं छोड़ना। नहीं छोड़ना। अब मुक्तदर हलकों में जब मैं जिस वक्त बात कर रहा था, मैं भी ऐसे मुक्तदर लोग हैं जो कहते हैं इनसे पैसा लो। ये इनके अपने शेख रशीद कहते हैं जान छोड़ो, जाएं पैसा लो, इनको जाने दो, इनके अपने लोग कहते हैं। बस एक प्राइम मिनिस्टर है, आखिरकार वो प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है नहीं नहीं छोड़ना। सही, लेकिन ये एक तासुर तो जाता है ना, जिस वक्त वो खिताब में कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर और लोग जेल में होंगे, एक तासुर तो जाता है ना कि शायद आपको कार्रवाइयाँ इंतकामी कार्रवाइयाँ करें और सब कुछ आपके कहने पर जैसे हो रहा है, जैसे आप लोगों ने केसेस बनाए हुए हैं, खुद गलत इंप्रेशन दे रहे हैं। अच्छा, जरदारी साहब का इन केसेस से, जाली अकाउंट केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, इनसे निकलना कितना मुश्किल है चौहान साहब? जहाँ तक मुझे इतना है, आई एम नॉट, मैं केसेस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें भी पूछती हूँ कि आप क्यों नहीं कर रहे? एग्जामिन नहीं मैंने किया, पर उनके उनका कनेक्शन जो है विद दीज केसेस, सो कॉल्ड फेक अकाउंट, कोई अभी तक बना नहीं है। कोई अभी तक बना नहीं है, कोई 8 अरब आया हो, 10 अरब आया हो, ये तो अरबा का कहीं ना कहीं तो कुछ है ना। फालूदे वाले का अकाउंट, रेड़ी वाले का अकाउंट, फालूदे वाले का अकाउंट जो है वो फालूदे वाले के नाम पे है, वो आसिफ जरदारी के नाम पे तो नहीं है।